वेलकम टू लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म। आज है 29 नवंबर 2019 और इस वीडियो में हम डिस्कशन करने जाएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। और आप लोगों से पुनः एक रिक्वेस्ट है कि जो हमारी डन की मुहिम चली है, यानी आप लोगों ने अपने फ्रेंड सर्कल में हमारे इस यूट्यूब चैनल को शेयर करवाना है और कमेंट सेक्शन में आपने मुझे लिखना है डन। डन का मतलब है कि आपने हमारा काम कर दिया है, तो इस मुहिम में आप मेरा सहयोग करें, इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। हम भी चाहते हैं कि हमारा यूट्यूब परिवार और भी फले फूले और भी बेहतर ढंग से हम आपको कोचिंग इस यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध करवा सके, तो मुझे इंतजार रहेगा आपके डन के मैसेज का। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहला करंट अफेयर है, हाल ही में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन मनाली में किस फिल्म की शूटिंग के लिए पहुंचे हैं। यदि आप समाचार पत्रों से टच होंगे तो विभिन्न तरह के समाचार पत्रों में आज सुर्खियों में देखने को हमें मिला, ब्रह्मास्त्र फिल्म की शूटिंग की जा रही है। इससे पहले भी कुछ एक्टर और एक्ट्रेस वहां पे आ चुकी है, लेकिन अभी हाल ही में जो सदी के महानायक है अमिताभ बच्चन भी वहां पे पहुंच चुके हैं। और इस तरह का प्रश्न एक जरूर कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस जिला में जिला स्तरीय बूढ़ी दिवाली मेला मनाया जाता है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए बूढ़ी दिवाली फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाता है कुल्लू के निरमंड में। मंडी जिला में HPMC का फल विधायन सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है। प्रश्न को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी कि फल विधायन क्या होता है, तो आपको बता दूं जहाँ पे फलों को क्या किया जाता है, जो फ्रूट्स होते हैं जिनकी प्रोसेसिंग की जाती है, उसका जूस बनाया जाता है या अन्य कोई पेय पदार्थ बनाया जाता है, उस स्थान को कहा जाता है फल विधायन संयंत्र। ठीक है, तो मंडी जिला में HPMC ने अपना एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है जिस जगह का नाम है जडोल, और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज, मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी द्वारा मुख्यमंत्री सेवा संकल्प 1100 योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो आपको बता दें इसकी शुरुआत की गई थी 16 सितंबर 2019। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपने एक चीज़ और याद रखनी है, टूटी कंडी शिमला में एक जगह है जहाँ पे बस स्टैंड भी बनाया गया, नया बस स्टैंड बना है, उसी के समीप इसका क्या है, इसका जो कॉल सेंटर है उसे भी वहाँ पर स्थापित किया गया है और इसकी इनॉग्रेशन की गई थी माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी द्वारा। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पेट्रोल पंप कहाँ पर स्थित है, तो ये तो शायद इन ऑप्शनों में आप भाप भी पाएंगे कि धर्मशाला भी इतनी ऊंचाई पे नहीं है, बद्दी एट्सेट्रा भी नहीं है, बल मंडी भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, काजा लाहौल स्पीति। स्टूडेंट्स, यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और आपके पास उत्कृष्ट अध्ययन सामग्री नहीं है तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इस समय को बर्बाद करने के लिए ही हमारी टीम आपको सुजेस्ट करती है जनवरी से सितंबर तक के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स 2 PDF में हमारी टीम के द्वारा तैयार किए गए हैं। इनका लाभ उठाने के लिए आप हमारी वेबसाइट elastudyco.in पर जाएँ। और इनके आप सबसे बड़ी विशेषता करंट अफेयर्स किया है यह है कि इसमें हर रोज़ की डे टू डे की घटनाएँ संग्रहित की गई है, किसी भी दिन को नहीं छोड़ा गया है। इसी की वजह से बहुत से प्रश्न इस प्लेटफॉर्म से पूछे जा रहे हैं जो कि विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए गागर में सागर का काम कर रहा है। आगे डिस्कशन करेंगे नेशनल एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स के बारे में। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये IAS की परीक्षा में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय अंतरिक्ष संगठन संस्थान यानी इसरो द्वारा कार्टोसेट 3 व 13 नैनो अमेरिकी सैटेलाइट PSLV-C47 रॉकेट के जरिए किस अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किए। प्रश्न को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आपको जरूर होगी यदि आप नए अभ्यर्थी, यदि आपने सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में अपनी अपीयरेंस दी है तो इस तरह के प्रश्न आप उनसे आप फैमिलियर होंगे। तो आपको बता दें जो अभी हाल ही में से जो अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया उसका नाम है श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और ये प्रश्न आपको हर तरफ से याद रखना है, राइटिंग में भी आपको लिखने को आ सकता है क्योंकि हाल ही में आपने देखा था मंगलयान थोड़ा सा हमारा लास्ट मोमेंट पे सफल हो गया था, लेकिन अब देखिए फिर से इसरो कभी भी हिम्मत नहीं हारता है। कल आपने के सिवान सर का मैसेज भी पढ़ा हुआ, उसने लिखा था वेल डन, मतलब काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। PM प्रधानमंत्री के द्वारा भी वहाँ पर ट्वीट किया गया है। ये प्रश्न विभिन्न तरह के परिप्रेक्ष्य से इंपॉर्टेंट है, आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि किस रॉकेट के जरिए इन्हें लॉन्च किया गया है। PSLV-C47 है, PSLV की फॉर्म भी पूछी जाती है, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है। कॉर्टेसेट 3 क्या है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, कितने वहाँ पे नैनो अमेरिकी सैटेलाइटों को भेजा गया, इनकी संख्या 13। तो ये सारी चीज़ें आपने अपने दिमाग में रखनी है। हाल ही में लियोन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड ने किस अभिनेता को अपने अग्रणी लेदर
फुटवियर ब्रांड रेड रेड एंड चीप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो आपको बता दें यहाँ पे बनाया गया है रेड एंड चीप का ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल को। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है विभिन्न तरह के कम्पिटेटिव एग्जाम्स में। सबसे सुर्खियों में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खबर है आज की डेट में, वो खबर है कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे। तो महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री की शपथ ली जा रही है उद्धव ठाकरे के द्वारा, जिनके दल का नाम है शिवसेना। इन्होंने अलायंस किया है NCP और INC के साथ। महाराष्ट्र में कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, शिवसेना के संयुक्त गठबंधन को क्या नाम दिया गया है? तो इसको नाम दिया गया है महाविकास अघाड़ी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इन दिस वीडियो। ठीक है, इस प्रश्न आपको जरूर किसी भी समय देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ही बहुचर्चित। करीब करीब 34 दिनों तक वहाँ पर सत्ता के लिए संघर्ष करते रहे विभिन्न तरह के राजनीतिक दल, लेकिन लास्ट में इन तीन दलों का नाम भी आप याद रखें। कांग्रेस जो पहले वाला दल है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जिसकी अध्यक्षा आजकल सोनिया गांधी जी है। और जो दूसरा है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, इसके जो प्रमुख है वो शरद पवार है। और तीसरा है शिवसेना, जिसके संस्थापक थे बाला साहेब ठाकरे, और वर्तमान में जो उसके मुखिया उनका नाम है उद्धव ठाकरे, जो कि मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण करने वाले हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, शिवसेना के गठबंधन के पास कितनी सीटें बन रही है? तो सारी सीटें इनकी मिला दी जाए तो ये बनेगी आई थिंक 154 के आसपास। नेक्स्ट इज, देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ इनका 56 सीट्स किसके पास है। 56 सीट्स है शिवसेना के पास, रांगपा यानी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के पास 54 है, कांग्रेस के पास 54 है, और यहाँ पे टोटल आंकड़ा हो जाता है 154। आगे आपको बताएंगे सारी सीटें कितनी है इनकी। देखिए अगला प्रश्न भी उसी से संबंधित है कि महाराष्ट्र में विधानसभा की सीटें कितनी है, तो यहाँ पे उनकी संख्या है 288। नेक्स्ट इज, हाल ही में अमेरिका को पछाड़ कर सर्वाधिक राजनायक, यहाँ पे आपने क्या करना है, राजनीति की जगह पे राजनायक करें आप लोग, ठीक है, राजनायक मिशन भेजने वाला देश कौन बन गया? तो इस देश का नाम है चाइना। काफ़ी तीव्र गति से देश आगे बढ़ रहा है। कुछ क्विक फैक्ट्स भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? इनका नाम है नवीन पटनायक, और हड्डी रोग विशेषज्ञ है, डॉक्टर सेटी थे। ये किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त थे? तो उन्होंने दुनिया का पहला कृत्रिम पैर के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। फ्रेंड्स, आप हमारी मंथली मैगजीन है जो कि बहुत ही उत्कृष्ट अध्ययन सामग्री से लैस है, जस्ट RS ओनली 49 रुपीज़ में आप इसको परचेस कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट से इसका लाभ भी आप लोग जरूर उठाएं। और इसके अलावा ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स का महत्व डे टू डे बढ़ता ही जा रहा है, तो हमारी टीम आप लोगों के लिए विभिन्न तरह के ओल्ड क्वेश्चन पेपर की एक सीरीज लेके आई है अपनी वेबसाइट elastudyco.in पे। इसका लाभ उठाने के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें, और जो भी जिस भी परीक्षा में आप अपनी अपीयरेंस देने जा रहे हैं उसके ओल्ड क्वेश्चन पेपर वहाँ से परचेज कर लें और सफलता सुनिश्चित करें। स्टैंड पुनः आपसे रिक्वेस्ट कि डन मुहिम को और भी आगे बढ़ाएं, अपने फ्रेंड सर्कल में हमारे यूट्यूब चैनल के लिंक को भेजना ना भूलें, और जब आप एक काम कर दें तो डन में लिखें, मैं आपका सब आभारी रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइस्टडी यूट्यूब चैनल।